हेलो एवरीवन वेलकम टू टेस्ट बुक बैंकिंग चैनल आई एम आदित्य योर यंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लेकिन फिर से एक बार आज मैं इंग्लिश की क्लास नहीं मैथ्स की क्लास लेकर यानी कि क्वांट्स की क्लास लेकर आया हूं और क्वांट्स में क्या वही आज जैसा कि आप जानते हैं का एग्जामिनेशन था और आईबीपीएसपीओ के चारों शिफ्ट्स खत्म होने के बाद मेरे को थर्ड शिफ्ट का जो सचिन सर एग्जाम देकर आए थे उनको नंबर सीरीज थी तो उन्होंने शेयर की थी तो सारे शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उस नंबर सीरीज को डिस्कस किया जाए सो so, दैट आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन आए और कैसे लेवल के हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है सुमित सर नहीं है तो अभी सुमित सर जो है थोड़ा बिजी हैं और सुमित सर अभी यहाँ नहीं है तो हमने सोचा क्यों ना सुमित सर की ऐप्शन में आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो तो उसके लिए जो है आज ये सेशन में लेकर आया आए नंबर सीरीज जो आई है थर्ड शिफ्ट में चार दिसंबर को उसको हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई थी तो कैसे क्वेश्चन थे लेवल क्या था वो सब हम जानेंगे कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की और फिर से दोबारा से एक ही चीज बोलूंगा एस में भी मैंने ये चीज़ बोली थी जब मैंने उसका नंबर सीरीज सॉल्व किया था कि यार भूल भूलचुक माफ करना ठीक है ठीके? वैसे हम कोशिश करेंगे भूल चुक कुछ ना हो फिर भी अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माफी चाहेंगे पहले ही आपको बोल देते हैं बट प्रैक्टिस करेंगे तो मजा ही आएगा तो लेट्स फाइंड आउट ये थी नंबर सीरीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो और साथ ही साथ इसको अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हो ये है मिसिंग नंबर सीरीज जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछी गई है चार दिसंबर के अब इनको सॉल्व करते एक एक करके क्वेश्चन का लेवल मैं ये कहूंगा एक दो ऐसे थे जो कि थोड़े डिफिकल्ट थे टाइम टेकिंग थे बट बाकी काफी आसान थे तो लेट्स फाइंड क्या है पहला क्वेश्चन ये ये है, है इधर देखते हैं क्या इसमें आंसर होना चाहिए। इतना तो पता चल रहा कि ये केवल और केवल बेसिक uh, एक uh, you can say addition ही हो रहा है, difference की बात है और इसमें कुछ multiplication की बात दिख नहीं रही। तो देख ले कितना है 16 मतलब 26, 36, 46, 56 उसके बाद 37, right? 37 आ रहा है। 94 के बाद वन ट्वेंटी पच्चीस मार्क और वन सेवन सेवन इसमें अगर और डिफरेंस देखें फोर्टी वन थर्टी सेवन मतलब शायद सिक्स होगा ये है ना थर्टी सेवन सिक्स फोर्टी नहीं थर्टी सेवन प्लस फोर सॉरी फोर हो जाएगा ये फोर लेवन सेवन फोर यस थर्टी वन सिक्स तो मोस्ट डबल डिफरेंस होना चाहिए फोर सिक्स तो अब एट हो जाएगा थर्टी वन में से एट गया 31 में से 8 गया तो 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 आ जाएगा जाएगा और और अगर अगर मैंने किया फिर तो तो फिर आगे होना चाहिए कितना 4, 6, और 10, 10 हो जाएगा फिर, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो थर्टी वन एट ट्वेंटी थ्री इधर होता है और ट्वेंटी थ्री में से टेन गया थर्टीन लेकिन फिर तो नहीं हो पाएगा 148, 58, 33, ना 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 मतलब कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है तो इसको अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रॉब्ली आपसे भी यही होना है और फिर इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे ओके चलिए कोई बात नहीं लेकिन इसको अभी हटा दें और क्या पॉसिबिलिटीज बनती है अगर देखे फोर्टी है थर्टी है और यहाँ थर्टी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग येस थर्टी वन था ये आ, प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। देखो प्राइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं देख रहे हो फोर्टी वन है थर्टी सेवन है थर्टी वन है इसके बाद प्राइम नंबर ट्वेंटी आता है ट्वेंटी नाइन आता है इसका मतलब है क्या कि मुझे ये वाला भी हटाना पड़ेगा ओके तो अब अगर ट्वेंटी हम ले लें ट्वेंटी में ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी तो फिफ्टी होता ही है और आ, चार वन फिफ्टी फोर हो जाएगा और फिर उसके बाद 29 में और कम लेंगे 27 नहीं 25 नहीं 23 23 होता है फोर थ्री सेवन परफेक्ट है फाइव टू सेवन परफेक्ट है और वन सही है तो इसका मतलब 154 फिफ्टी फोर यहाँ आंसर आना चाहिए प्राइम नंबर चल रहा था ठीक है प्राइम नंबर वाला प्राइम नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था प्राइम नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओके उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई तो पहली बार में जो मैंने गलती की 90 परसेंट स्टूडेंट्स वो गलती कर सकते हैं क्योंकि पहली बार में हम डबल रेफरेंस को ही चेक कर लेते हैं तो हो सकता है ऐसा हो जाए कोई बात नहीं नेक्स्ट देखो क्या है वन क्वेश्चन मार्क 12, 7.2, 5.76, 5.76। सुमित सर के सेशन अगर आप फॉलो करते हैं मैंने भी किए हैं तो इसलिए मेरे को इतना पता है कि जब क्वेश्चन मार्क सेकंड नंबर पे ही होता है जल्दी होता है तो उल्टा शुरू करना ज्यादा अच्छा रहेगा 5.76 और 5.76 ये तो वन इंटू वन है ना चेंज नहीं है तो और और इधर इधर लिया जाए तो आ, ओके ये तो ओके ओके दिक्कत है फिर, 12, 6 72 होता है है फिर होता हो हो जाएगा शायद क्या ये इधर कुछ हो सकता है? 16, एक बार करके देख लेते हैं दो पॉइंट सही है पॉइंट एट इधर आया है सही है फिर समझ में आ गई बात पॉइंट है, पॉइंट है फिर 1 है. मतलब पॉइंट होना चाहिए और इधर में थर्टी थर्टी 30, 30 आ जाएगा आंसर. और 120 सही है तो परफेक्ट आंसर है थर्टी हो जाएगा तो ये आसानी से हो गया वैसे बस पकड़ में यह आना था कि ये सब चीजें कैसी चल रही है काम हो जाएगा आपके लिए आसान उसके बाद आगे देखते हैं वन फोर फिफ्टीन फोर्टी फोर एट क्वेश्चन मार्क एटी सिक्स ओके

क्वेश्चन मार्क टेन पॉइंट फोर फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स ये तो नॉर्मल डिफरेंस दिख रहा है कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं है क्वेश्चन मार्क इधर है तो इधर से ही शुरू करेंगे यहाँ पे राइट ठीक है हो जाएगा फिर उसके बाद फाइव पॉइंट सिक्स मेंिक्स बोल रहे हैं सिक्स सिक्स जीरो ओके फाइव फिफ्ट फाइव वन फोर ऐसा है क्या कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से शायद ओके 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 ये क्या हो रहा है नहीं 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 ओके रियली really सॉरी फिर ये तो गलत हो जाएगा एक मिनट इधर ऐसा नहीं है ये कुछ गड़बड़ है जहाँ कुछ और हो रहा है देखते हैं क्या हो रहा है आई गेस ये इन दोनों का दिख रहा है ठीक है तो फिर इसका ऐसा हो जाएगा और इधर ऐसा हो जाएगा हाँ ये ज्यादा सही रहेगा तो नाइन पॉइंट टू टेन पॉइंट फोर और अलेवन पॉइंट सिक्स कुछ कॉमन डिफरेंस है क्या देखे नाइन पॉइंट टू 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 इधर आ जाएगा ओके नाइन वन टेन वन पॉइंट टू ओके पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट टू हो गया यहाँ पे अगर यही चल रहा है तो टेन पॉइंट फोर में हाँ लेवन पॉइंट फोर और ठीक है प्लस वन पॉइंट टू इधर भी हो गया और इधर देखे तो फोर पॉइंट फोर और फाइव पॉइंट सिक्स मतलब माइनस वन पॉइंट टू चल रहा है इधर राइट सिक्स फोर टू फाइव फोर वन माइनस वन पॉइंट टू और यहाँ क्वेश्चन मार्क में भी फिर माइनस वन पॉइंट टू होना चाहिए इसका मतलब है फाइव पॉइंट सिक्स में वन पॉइंट टू प्लस कर लो सिक्स पॉइंट सिक्स और सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट एट यहाँ आंसर आना चाहिए सिक्स पॉइंट एट दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी ओके क्योंकि यहाँ प्लस वन पॉइंट टू प्लस वन पॉइंट टू अल्टरनेट में चल रहा है और माइनस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू अल्टरनेट में चल रहा है तो आंसर सिक्स पॉइंट एट हो जाएगा ठीक है सिक्स पॉइंट सिक्स प्लस टू सिक्स पॉइंट एट ट्वेंटी फिफ्टी वन क्वेश्चन मार्क सेवेंटी फिफ्टी एट एट्टी नाइन ओके ट्वेंटी फिफ्टी वन सेवेंटी ओके, okay. okay, देखो सेवेंटी प्लस एटी नाइन हो गया मतलब नाइनटीन है इधर और फिफ्टी वन सिक्सटी वन नाइन सेवेंटी नाइनटीन इधर भी है नाइनटीन का डिफरेंस है क्या यही चीज इधर भी हो रही है ट्वेंटी नाइनटीन थर्टी नाइन थर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस मल्टीप्लीकेशन ना, तो, 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 तो नहीं दिख रहा है नॉर्मल ही दिख रहा है लेकिन देखे थ्री वन सेवन टू थ्री थ्री सिक्सटी नाइन माइनस थ्री ये तो ज्यादा है थ्री सिक्स नाइन सिक्स ओके वन सिक्सटी थ्री और फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव ट्वेंटी तो ये थ्री का कुछ टेबल ही लिख रहा है थ्री इंटू वन थ्री इंटू टू सिक्स इंटू थ्री हाँ इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री जो रिजल्ट है उसका तो ये इंटू फोर हो जाएगा एटीन फोर द सेवेंटी टू 72, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 257 आ जाएगा और उसके अलावा अगर ऑप्शन में है तो आंसर यही होना चाहिए आंसर ये आ जाएगा ओके okay, तो आपने देखा कैसे मैंने जो है इस सारे नंबर सीरीज को सॉल्व किया है तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हाउ टू तो सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज ओके okay, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो काफी आसानी से हम कर सकते हैं बस थोड़ा कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ सकता है कभी कभी गलत भी दिशा में हम चले जाते हैं बट द पॉइंट इज पेशेंस कितना टाइम हम लेते हैं उसको करने में ये मैटर जरूर करेगा उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया वो आपके काम आए इस तरह के और भी नंबर सीरीज अगर ग्यारहवें तारीख को अगर आता है तो आप लोग कर सको और ये सब पैटर्न याद रखो डबल डिफरेंस हो गया ऑल्टरनेट हो गया ये छोटी छोटी चीजें ही काम आती हैं ओके बाकी जाने से पहले आपको बता दूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड आप भाई एग्जाम तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी यहाँ पे क्लर्क का बचा हुआ है फिर अगले साल अगर आप चाहते हो कि यार एग्जाम्स टारगेट नहीं करना है केवल एग्जाम्स क्रैक करना है है तो ये बैच बैच ऑफ फ्रेशर्स लाइव कोचिंग हमने अभी शुरू शुरू किया दिसंबर से इसकी क्लासेस जानी हो रही है। जिसमें अभी एक या दो ही क्लासेस हर सब्जेक्ट की गई है जिसमें कि शायद रीजनिंग की अभी शुरू भी नहीं गई क्योंकि अभी जो है वो अपने शादी में ही गए हैं तो कुछ भी ज्यादा नहीं छूटा है अभी भी और सारी जितनी भी क्लासेस छूटी है वो अब आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो कभी भी कहीं भी कोई इशू नहीं है तो इस बैच में फ़ायदा क्या है इस बैच का कि आपका एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ एस बी आई क्लर्क आई बी पी एस क्लर्क आर 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 बी पी ओ आर आर बी क्लर्क आर बी असिस्टेंट सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं साथ ही साथ इसमें प्री भी कवर होगा मेंस भी कवर होगा इंटरव्यू भी कवर होगा जी डी भी मतलब ग्रुप डिस्कशन भी कवर, मतलब कवर होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव का भी कवरेज रहेगा मतलब हर चीज़ कवर्ड है सब्जेक्ट्स भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीए पर ही सीमित नहीं है बल्कि आपके कंप्यूटर और कैन से हिंदी ये भी सब कवर्ड है ऐसा बैच और कौन भाई कौन नहीं चाहेगा ऐसा बैच जिसमें कवर्ड है इसके बाद आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द इंटायर बैच एक साल का ये पूरा कोर्स रहेगा तो इसमें आप ज्वाइन करना चाहें थ्री सेवेंटी लाइव क्लासेस में अठारह हजार से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस एक सौ से ज्यादा टेस्ट और दो से ज्यादा पीडीएफ नोट्स इस बैच को एनरोल करते वक्त अगर आप चाहते हैं यार डिस्काउंट मिल जाए तो मजा आ जाएगा तो यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाई यूजिंग द कोड पास पी एडबल एस पास का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह अगर आप कोई टेस्ट पास खरीदना चाहते हैं तो टेस्ट पास टेस्ट बुक का खरीदने के लिए कोड टीम पास लगाइए टी फॉर टेस्ट बुक पास एंड टी फॉर टीम पास ओके इस तरह से आप याद रख सकते हैं और सिलेक्शन जाते हैं बैच के थ्रू तो पास आपका कोड रहेगा आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर तो होप यू एंजॉयड दिस सेशन थैंक यू एवरीवन टेक केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक like का बटन जरूर प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि मेरी तरफ से मैच जो सॉल्व किया गया आपको उसमें इंटरेस्ट आया या नहीं और साथ ही साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चंस एंजॉय किए या नहीं ओके सो वुड लव टू हैव योर फीडबैक तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस मिलते हैं फिर अपने में टिल देन कीप कीप एंड लर्निंग